और जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अतुल, भाग्यश्री, शुभम, सृष्टि, सुमित, वंशिका, मैंने ना ग्रुप में आप लोगों को एक न्यूमेरिकल ड्रॉप किया है, करीब 7-8-9 न्यूमेरिकल ड्रॉप किए हैं, उस पर आप देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 आप सॉल्व कर पाते हैं क्या? एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 9, ओके, इज द बोर्ड विजिबल? यस सर। ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विथ अ बिट ऑफ रिविजन फ्रॉम यस्टरडे, एंड इट वॉज वेलोसिटी सिलेक्टेड और वेलोसिटी फिल्टर। क्या करता है वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, cross electric and magnetic field which can select or filter a mono velocity ion beam, a mono velocity ion beam from a mono velocity ion, that's it, it is enough. So it is an arrangement of crossed electric and magnetic field which can select or filter a mono velocity ion beam. You can add out of various velocity. Arrangement kaisa tha? Hamare paas do parallel plate the capacitor ke jaisa. एक प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, एक प्लेट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया था। इस वजह से इस दो प्लेट के बीच में एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, यूनिफॉर्म डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिस्टम लाइक दिस। और इसी जगह पे हमने क्या ऑफर किया था, कम ऑन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। एंड व्हाट वी हैव डन, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका चार्ज था माइनस ई और उसको थ्रो किया विद अ वेलोसिटी ऑफ v0 लिख लो, v लिख लो, इट इज अप टू यू। व्हाट वी ऑब्जर्व कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम इस सिस्टम के अंदर गया, उस पे लगा इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन
जिनकी वेलोसिटी v प्लस डेल v, इसको हम कहते हैं वेरियस वेलोसिटी. अ बीम ऑफ आयरन विद वेरियस वेलोसिटी, अब इसमें v वाले भी हैं, v प्लस डेल v वाले भी हैं और v माइनस डेल v वाले में भी वाले भी इलेक्ट्रॉन हैं. ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन v माइनस डेल v स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं वो सब ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं v माइनस डेल v, और जो इलेक्ट्रॉन v प्लस डेल v वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. और कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी वेलोसिटी v है which satisfies the equation E by B, it is passing through the system undeflected. तो हमने क्या किया, अगर हमने यहां स्लिट लगा दिया सामने और स्लिट में सेंटर पे एक अपर्चर छोड़ा, सेंटर पे एक अपर्चर छोड़ा होल, तो क्या करेगा वो जो स्लिट है बाकी सबको ब्लॉक करेगा, अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन को पास करेगा और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी वेलोसिटी v है. और एक वेलोसिटी वाले होने के कारण, सिंगल वेलोसिटी वाले होने के कारण हमने इसको मोनो वेलोसिटी कहा. एंड व्हाट इज द कंडीशन, ऊपर की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा, जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है मैग्नेटिक फोर्स से, नीचे की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा, जिस पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से. और अनडिफ्लेक्टेड कौन जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड वो जाएगा जिस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है. सो हम क्या लिखते हैं, टू पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, टू पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स on electron should be equal to electric force on electron. What is the direction of magnetic force? Direction of magnetic force is downward and direction of electric force is upward. Electric force तो बड़ा simple है, electron है इसलिए positive की तरफ जाएगा. और हमने ये भी कहा था ये जो path है वो parabolic है और ये जो पाथ है वो सर्कुलर है. इसका मतलब पैराबोलिक पाथ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण और सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फोर्स के कारण. और कौन से रूल से हमने इसका डायरेक्शन डिसाइड किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBR. I इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, B इज मैग्नेटिक फील्ड, F इज फोर्स. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मिडिल फिंगर किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोर फिंगर किया, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मिडिल फिंगर किया, तो थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ. और हमने सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स EVB, इलेक्ट्रिक फोर्स EE, इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया. FM इज इक्वल्स टू FE, मींस EVB इज इक्वल्स टू EE, जिससे E कैंसिल हुआ और आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया V इज इक्वल्स टू E बाय V. This is all about velocity selector, velocity filter. एक ऐसा सिस्टम जिस पे आप various velocity ion beam अंदर भेजोगे, but यहाँ से बाकी सब deflect हो जाएगा, undeflected से वही beam pass होगा, जिसकी एक single velocity होगी, satisfying the equation V is equal to E by B. How many students are there in the class? 44. Okay, great. I have dropped some questions in your WhatsApp group. आपको मिला वो questions? Yes, sir. देखो कितना आसान है. एग्जाम्पल नंबर 8, कोई पढ़ेगा एग्जाम्पल नंबर 8 उसने का? What is example number 8 given in that group? Anyone who can read? Yes, sir. Please read. An electron beam enters from a region of potential 75 volt into a region of potential 100 volt. An electron passes undeviated through a velocity selector having E equals to 10 to the power 4 volt per meter and B equals to 0.02 t. Determine the speed of an electron. T का मतलब क्या बेटा? What do you mean by T? Tesla. Unit of magnetic induction is
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला. सो टी स्टैंड्स फॉर टेस्ला. कितना सिंपल क्वेश्चन है. कौन सी ईयर में आया है बताओ. विंटर 2019. हाँ मतलब अभी आया है विंटर 2019 और ये इस साल भी आएगा. ध्यान रखना 100% 50% बच्चों को तो आएगा ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए रैंडम होंगे ना क्वेश्चन, तो 50% को आएगा. एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है. V is equals to E by B. So V is equals to 10 to the power 4 और मतलब 0.02. तो ये 10 to the power 4. 0.02 को हम कैसे लिख सकते हैं. 2 into 10 to the power minus 2 और ये हो जाएगा half into 10 to the power 6. तो आपकी वेलोसिटी होगी 0.5 into 10 to the power 6. मतलब आपकी वेलोसिटी होगी 5 into 10 to the power 5 meter per second. है ना सिंपल. जितने स्टूडेंट्स हैं इमीडिएटली इन योर कॉपी कैन यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 बेस्ड ऑन द सेम वेलोसिटी फिल्टर वेलोसिटी सिलेक्टर. That is example number 12. Answer Arya? Yes, sir. Please read the question. An electron beam passes through a magnetic field of 2 into 10 to the power 5 web per meter square and the electric field of 3.4 into 10 to the power 4 volt per meter. Both fields beam normal to each other and acting simultaneously in the same region. The path of electron remains unchanged. Calculate the electron speed. एकदम similar question है, सिर्फ language अलग है. Yes sir, almost similar है sir. Electric field कितना दिया है? It's 3.4 into 10 to the power 4 volt per meter. कितना? 3.4 into 10 to the power 4 volt per meter. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स हैं, एक न्यूटन पर मीटर भी है, दूसरा वोल्ट पर मीटर है. आपको याद है हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था E is equals to V by D. इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं. E is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसी को हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहा है. लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब हम कहते हैं तो वो ऐसे डिफाइन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम और जब हम ऐसे करते हैं तो इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट है एक ही चीज. अच्छा बी कितना दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन 2 into 10 to the power minus 3 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर. चलिए वो भी चलेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये भी एसआई यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला E by B आपको दिखा वहां पे अनडिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है या सेम पाथ लिखा है. क्या लिखा है अनचेंज्ड. बात वही है अनडिफ्लेक्टेड हो या अनचेंज्ड हो बात एक ही है. तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन. सो V इज इक्वल्स टू 3.4 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 10 टू द पावर माइनस 3 2 1 जा 1.7. तो आंसर कितना आ गया 1.7 into 10 raised to the power 7 meter per second. आया था आंसर आपका. Yes sir. Yes sir. ठीक है. Okay. What is Beck's law? मेरे को सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए. देखता हूँ आपको याद है क्या. Beck's law का एक्सप्रेशन. जल्दी. Sin theta 1 upon sin theta. Sin theta 1 upon sin theta. Under root of V2 by V1. अरे ना ना. V1 by V2. V2 by V1 तो Snell's law है. V2 by V1 Snell's law है. यहाँ V1 by V2 है और under root of capital V1 by capital V2 है. Small v क्या है इसमें speed है और capital V क्या है potential है. याद आया Beck's law? Yes sir. Okay, please read question number 8. Example number 8 which is based on Beck's law. Anyone? सर बेथेस लॉ अंडर रूट V2 बाय V1 आता है ना. V2 गलत कर दिया क्या. हाँ ये उल्टा हो जाता है. राइट यू आर राइट. स्नेल्स लॉ इज साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल इन सेकंड मीडियम. तो फिर
यहाँ पे वी वन बाई वी टू होता है, ये सेल्स लॉ है, आई एम सो सॉरी, ये बेथेस लॉ है, वी टू बाई वी वन एंड वी टू बाई वी वन, राइट यू आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का अलग है, ये तो रेशियो ऑफ साइन लिखना है ना, तो दिस इज बेथ्स लॉ. साइन थीटा वन बाई साइन थीटा टू इज वी टू, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, potential in second medium, potential in first medium. Yes, please. Special example 8. Read. An electron beam enters from a region of potential 75 volt into a region of potential 100 volt, making देखो, an देखो, 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 रुको, रुको, रुको. पहले region का potential 75, दूसरे region का potential 100. क्या समझ में आया? कि V1 is less than V2. मतलब electron जो है, वो क्या होगा? रिटार्ड होगा या एक्सेलरेट होगा? एक्सेलरेट. हाँ, लो वोल्टेज रीजन से हाई वोल्टेज रीजन में जाएगा इलेक्ट्रॉन ना, 75 से 100. तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स के कारण, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको एक्सेलरेट कराएगा. नेक्स्ट. मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. फाइंड द एंगल थ्रू व्हिच द बीम रिफ्रैक्ट्स. फाइंड द एंगल थ्रू व्हिच द बीम रिफ्रैक्ट्स. Okay, so theta 1 is 45 and theta 2 is question mark. If I am not wrong, you will be able to solve this question. Solve it very quickly. Formula aapke paas hai. Sine theta 1 by sine theta 2 is under root of V2 by V1. This is the formula. Ye aa gaya sine 45 aur ye aa gaya sine theta 2. Ye aa gaya 75 aur ye aa gaya 100. You have calculators with you. Hai na aapke paas calculator? Yes, sir. So ye ho gaya. Sine theta 2 is equals to. Sir. Yes. So 100 by 75. हाँ, 100 by 75. Yes, yes, 100 by 75. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 by 100. You have calculator. Let me see. Can you use your calculator? इसका बचा हुआ solution मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. Sine theta 2 is equals to sine 45 मतलब 1 by root 2. Can you give me the value of this under root of 75 by 100? 1/2 मतलब रूट निकालने के बाद बोल रहे हो क्या? Yes. गलत बोल रहे हो ना, आपको समझना चाहिए ये 75 है और ये 100 है, 1 से छोटा है, तो अंडर रूट 1.1 कैसे होगा? सर 0.866. चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 0.866 रूट निकाल लिया था आपने. यस सर. ओके, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ रूट टू? 1.414. तो बताइए साइन थीटा 2 का वैल्यू कितना आया? 0.6122. इनका डिवीजन 0. ये आया क्या? कैसे निकालेंगे थीटा 2? साइन इनवर्स ऑफ 0.6. प्लीज टेल मी व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0.6122? 37.7487. 7487. आप ठीक से, सबका सेम आंसर आना चाहिए, 0.6122. इसका साइन इनवर्स निकाल के देखिए, 37.7545 डिग्री. बाकी सब चेक करो. 37.7487. सर, देखो, तो ये सभी का आ रहा है, आप गेटिंग दिस? यस सर. डेसिमल करेक्ट करके इतना मिल रहा है. इसका यूनिट है डिग्री. अगर मैं क्वेश्चन में पूछ दूं कि ये मुझे मिनट्स में चाहिए, तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस वैल्यू विच इज इन डिग्री इन मिनट्स आल्सो? कैलकुलेटर. थीटा 2 इज इक्वल्स टू 37.75 डिग्री, और मैं कह रहा हूं उसको मुझे डिग्री और डेसिमल में नहीं, डिग्री एंड मिनट्स में चाहिए. कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू हैव योर कैलकुलेटर एंड देयर इज अ नॉब देयर टू कन्वर्ट.
जिसके ऊपर में देखो सर्कल कॉमा डबल कॉमा ऐसा लिखा होगा, सर्कल कॉमा डबल कॉमा। तो ये वैल्यू जब स्क्रीन पे रहेगा प्रेस दैट सर्कल कॉमा डबल कॉमा ऐसा होगा बटन में, है क्या कहीं ऐसा नॉब ऐसा बटन दिख रहा है आपको? यस सर। तो कितना आया उसको प्रेस करने के बाद वैल्यू? कितना आया प्रेस करने के बाद वैल्यू बेटा जल्दी? ये एमसीक्यू तो खत्म हो जाएगा एक मिनट में, लेस देन वन मिनट, स्लाइटली मोर देन वन मिनट, आई एम सॉरी, 60 मिनट्स 40 क्वेश्चंस। अच्छा, 37 डिग्री 45 मिनट्स। पॉइंट 75 इलेवन ट्वेल्थ वाला कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस 3/4 3/4 60 4 1s are 4 15s are 45 yes 45, this is okay, absolutely correct, 45. So this is the conversion of degree into degree and minutes. Decimal jo tha 0.75 ko apne minutes mein convert kiya. Theek hai, what is the attendance now? Sir, 44. Bas utne hi hai, khair koi baat nahi, aaj ek topic karenge और आपको समझ में आएगा ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये डिवाइस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ऑल बट स्पेशली फॉर दोज हु आर डूइंग द मैकेनिकल एंड मटेरियल रिलेटेड जो है उनकी बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो बनाया तो फिजिक्स वालों ने है बट यूजफुल केमिस्ट्री के लिए। आपने केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना है? आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? What are isotopes? अब जब कहते हैं कि कार्बन को बहुत सारे isotopes है, तो what do you mean by that? What are isotopes? Same atomic number, different atomic mass number. Elements having same atomic number and different atomic masses. Am I right? Number. Same atomic number. इसका क्या मतलब है? सेम एटॉमिक नंबर का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एम आई राइट? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिकॉज एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, इसका मतलब क्या हुआ? क्या डिफरेंट है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसमें न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस रहता है, इसलिए उसके मास नंबर में फर्क पड़ जाता है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर आइसोटोप, या केमिस्ट्री के टर्म में हम ये लिख सकते हैं सेम जेड एंड डिफरेंट एम। याद आया आपको? एम इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर, ये है आइसोटोप्स। केमिस्ट्री वालों ने तो बता दिया कार्बन के इतने सारे आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनके आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का भी आइसोटोप होता है क्या? यस, आई एम आस्किंग यू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का भी आइसोटोप्स होते हैं क्या? यस, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। क्या नाम है उन आइसोटोप्स के? सर डी से चालू होता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। ड्यूटेरियम याद आया? या ड्यूटेरॉन। यस सर। उसके बाद ट्रिटियम, ऐसे आइसोटोप्स है जिसमें न्यूट्रॉन बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही रहता है बट न्यूट्रॉन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत काम आता है। ओके, आपको याद है फ्यूजन रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? ये ड्यूटेरियम आपस में एड होके फिर इतना सारा फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। तो ये तो बता दिया केमिस्ट्री के टीचर्स ने कि ये आइसोटोप बोल के कोई चीज होती है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रहते तो है वही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही रहेगा लेकिन उसमें न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, कार्बन कार्बन ही रहेगा लेकिन उसमें न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा। आपको पता है ना हमारे लिए जो कार्बन है C12 कार्बन है, लेकिन उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है कार्बन का? C14।
C14 मतलब उसपे दो न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, तो नॉर्मल कार्बन हमारा कौन सा कार्बन है C12, और जैसे हमने C14 कह दिया मतलब दो से नंबर बढ़ा दिया मास नंबर को, दो न्यूट्रॉन बढ़ गए, वो बन गया हमारा रेडियोएक्टिव कार्बन। तो हमको अब फिजिक्स में क्या पढ़ना है कि जो केमिस्ट्री वालों ने आपको बताया था वो सच है, मीन्स सही में एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम बताइए तो ढूंढ के एल्यूमिनियम के कितने आइसोटोप्स है, यू हैव गूगल विथ यू कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोटोप्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोटोप्स एल्यूमिनियम हैज। एल्यूमिनियम तो मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, अब उस मेटल का कितने आइसोटोप्स है ये बताइए। तब तक मैं थोड़ा एक डायग्राम ड्रॉ करूं, यस सर 9 आइसोटोप्स, 9 आइसोटोप्स सर, 9 आइसोटोप्स। उनके थोड़ा मास नंबर भी लिख के रखिए सर, 23 से 30 रेंज करता है वो। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस एल्यूमिनियम के जो 9 आइसोटोप आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, उन 9 आइसोटोप्स को सपोज आपकी इच्छा है कि नहीं मैं, मेरे को ये देखना ही है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है कि एल्यूमिनियम को सही में 9 आइसोटोप्स हैं, क्योंकि ऐसे सब समझ में नहीं आएगा, सभी का तो मास एटॉमिक नंबर से सभी के सभी एल्यूमिनियम हूं, ऊपर से अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखो तो एक जैसे ही रहेगा एल्यूमिनियम का, तो पता कैसे चलेगा कि मैंने जो एल्यूमिनियम मेटल लाया है, सपोज आपके घर में आने वाला एल्यूमिनियम फॉइल जो रैपिंग के लिए यूज होता है फूड प्रोडक्ट्स में, वो एल्यूमिनियम फॉइल में देर आर 2-3 आइसोटोप्स ऑफ एल्यूमिनियम, आपकी इच्छा है कि मेरे को देखना है इस एल्यूमिनियम के अंदर कितने आइसोटोप्स है, सो यू हैव अ डिवाइस जो फिजिसिस्ट ने बनाया है और वो डिवाइस का नाम है बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ जिसको शॉर्ट फॉर्म में BMS कहते हैं। और याद रखना BMS के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ के कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला पार्ट है एक पॉजिटिव आयन सोर्स, और यूजुअली वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, एक पॉजिटिव आयन सोर्स यूजुअली वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दूसरा वेलोसिटी सिलेक्टर जो हमने अभी पढ़ा उसका यूज करेंगे हम इसमें। तीसरा मोमेंटम सिलेक्टर, ये नया होगा आपके लिए बट पढ़ने के बाद लगेगा ये तो हमें पता था। चौथा होगा स्लिट्स, नैरो स्लिट्स, ये अपने अपने पोजीशन पे लगेगा। और पांचवा होगा एक फोटोग्राफिक फिल्म, एंड रिमेंबर योर BMS इज अ वैक्यूम डिवाइस। क्या मतलब है वैक्यूम डिवाइस का, वैक्यूम डिवाइस का मतलब है उसके अंदर से सारा एयर हमने पंप करके बाहर खींच के निकाल लिया है, दैट इज द यू नो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ सबसे पहले क्या लगेगा, एक पॉजिटिव आयन का सोर्स किस स्टेटस में लगेगा, गैसियस फॉर्म में लगेगा। फिर लगेगा एक वेलोसिटी सिलेक्टर जो हमको समझ में आ रहा है क्या करेगा, वेलोसिटी को सिलेक्ट करेगा। फिर आता है मोमेंटम सिलेक्टर, पता नहीं है कुछ तो भी करेगा, मोमेंटम सिलेक्ट करेगा, देखते हैं कैसे। उसके बाद आता है कुछ स्लिट्स, मतलब इसके बाद नहीं, जहां जहां लगेगा वहां वहां पे नैरो स्लिट्स आते हैं। उसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म आता है जिसपे आपको दिखाई देगा, भाई आपकी तो इच्छा है ना देखने की कि भाई ये मेरे जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर कितने सारे आइसोटोप्स है, 2 है 3 है 4 है, तो दिखाई देना है इसलिए ग्राफ है ना, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफ लेना है इसलिए इसका नाम पड़ा स्पेक्ट्रोग्राफ। और स्पेक्ट्रो वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देगी आपको, अलग अलग डिस्टेंस पे ऐसी अलग अलग लाइंस दिखाई देगी, जैसे व्हाइट लाइट का प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्शन होने के बाद आपको 7 अलग अलग कलर्स का स्पेक्ट्रम दिखता है, सेपरेट लाइंस, रेड कलर, वायलेट कलर, ग्रीन कलर, वैसे यहाँ पे हर एक आइसोटोप का आपको एक लाइन दिखाई देगा फोटोग्राफिक फिल्म में, इसलिए इसको कहा गया स्पेक्ट्रोग्राफ, बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसका कंस्ट्रक्शन एक्सक्यूज मी सर, यस सर स्टूडेंट्स वेटिंग पे है,
नहीं उनको तो आप उस पे जाने बोल दीजिए, अगर आपको उनको मैसेज दे सकते हैं तो आस्क देम टू गो टू दैट लिंक। मैडम ने लिंक शेयर किया है क्या, लाइव लिंक? नो सर, सर हमारे सेक्शन में ये लिंक भी नहीं आई थी। नहीं आई है? कौन सा सेक्शन है भाई? मैंने भेजी है अभी वो लिंक Zoom। कौन से सेक्शन में? आ गया स्टूडेंट्स? यस सर आ गया। यस सर। नाम है कौन सा अल्फाबेट वहां पे ड्रॉ किया है? ऐसे जे शेप का एक अल्फाबेट ड्रॉ किया है और इस डिवाइस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहना चाहिए, ऐसे जे शेप का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। जे से शेप का स्ट्रक्चर है ये वाला हॉलो सिलेंडर है और ये वाला हॉलो ऑफकोर्स मेटालिक डी है। जैसे आपने एक डिवाइस पढ़ा था जिसका 12th में जिसका नाम था साइक्लोट्रॉन, आपको याद है साइक्लोट्रॉन में ऐसे डी रहता है हॉलो मेटालिक डी, वैसे ही यहां पे भी हमारे पास हॉलो मेटालिक सिलेंडर है और उसके साथ जॉइन किया हुआ एक हॉलो मेटालिक डी है और ये जो ड्रॉ कर रहा हूं ये स्लिट्स है, ये जो ड्रॉ कर रहा हूं ये स्लिट्स है और यहां पे प्लस, क्या मतलब है इस प्लस का? What do you mean by this plus? Common sense? सर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये क्या है, ये पढ़ो ना, पॉजिटिव आयन सोर्स। सो पॉजिटिव आयन सोर्स इन गैसियस फॉर्म, ये आपके स्लिट्स हैं S1 and S2, दीज आर स्लिट्स। स्लिट्स के बीच में छोटी सी ओपनिंग दिख रही होगी आप, और यहां पे ये तीसरा स्लिट है जिसको हमने S3 नाम दिया है। अब दिखाई क्या दे रहा है कि यहां से ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, S1 से एंटर करेगा, S2 से एंटर करेगा और फिर S3 से एंटर करके लास्ट वाले सेक्शन में जाएगा। एंड व्हाट इज दैट लास्ट सेक्शन वी हैव? The last section is your momentum selector। ये जो जगह है, इस जगह पे ये जो shaded वाली part मैं draw कर रहा हूं, this is nothing but photographic film, जहां पे मुझे photograph मिलने वाला है, spectrum मिलने वाला है, ये हमारा photographic film है। और यहां पे एक arrangement है जिसपे दो metal plates लगे हैं, दो मेटल प्लेट्स लगे हैं, ध्यान से देखना, दो मेटल प्लेट्स लगे हैं और ऐसा क्रॉस क्रॉस बना हुआ है और ऐसे दो इलेक्ट्रोड में से टर्मिनल्स बाहर निकले हुए हैं, एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है। स्मॉल वी, व्हाट डज दैट वी स्टैंड्स फॉर? प्लस वी। व्हाट डज दैट वी स्टैंड्स फॉर? पॉजिटिव। एंड ये वाला टर्मिनल को आप ग्राउंड दिखा सकते हैं। तो ये सेक्शन यहां जो है ये कौन सा सेक्शन है? यस, दिस सेक्शन इज योर, कम ऑन, वेलोसिटी वेलोसिटी सिलेक्टर
वेरी गुड, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम, मतलब पूरा नहीं हुआ, ये वेलोसिटी सिलेक्टर। दिस इज योर बेनब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ। आपका पॉजिटिव आयन सोर्स से चार्जेस या आयन बीम निकलेगा, ये आयन बीम वेलोसिटी सिलेक्टर से गुजरेगा और गुजरने के बाद ये मोमेंटम सिलेक्टर में जाएगा। आपसे मेरा कहना यह है कि ये जो पॉजिटिव आयन का बीम निकल रहा है और वेलोसिटी सिलेक्टर में से अंदर से बाहर निकल रहा है, तो मुझे बताइए यहां से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है वो मोनो वेलोसिटी है या वेरियस वेलोसिटी है जो सोर्स में से निकल रहा है? कम ऑन, दिस इज वेरियस वेलोसिटी पॉजिटिव आयन बीम। आपको पता है क्या इस चेंबर के अंदर क्या है? या ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक एल्यूमिनियम का फॉइल दिया और कहा कि चलो भाई पता करो इसमें कितने सारे आइसोटोप्स हैं। तो आपका काम क्या रहेगा, वो एल्यूमिनियम फॉइल लिया आपने, उस एल्यूमिनियम फॉइल को हीट किया, हीट करने से उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट होगा, और हीट किया तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा जिससे वो वेपराइज होगा। वो जो वेपर्स निकल रहे हैं किसके वेपर्स हैं, वो एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल के वेपर्स हैं, और हीट करने पे एल्यूमिनियम मॉलिक्यूलर स्टेट से एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस समय उसका वो गैसियस फॉर्म में चला गया तो उस पे वो एटॉमिक स्टेट, मतलब इंडिविजुअल एल्यूमिनियम के एटम्स अलग अलग हो गए। लेकिन एक बात पक्का है, उन एटम में अलग अलग 9 कैटेगरीज होंगी, क्योंकि आपने कहा 9 आइसोटोप्स हैं। एटम तो सारे एल्यूमिनियम के हैं बट 9 आइसोटोप्स हैं, तो 9 कैटेगरी होंगी। देन व्हाट वी डू, वी हीट इट फर्दर, और हीट करते हैं। अब आप बहुत ज्यादा हीट करोगे, पहले तो सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, फिर गैस बना, और गैस के बाद और हीट करने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन, मतलब उसका जो एटम है वो टूट जाएगा दो पार्ट में, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बचा हुआ जो एटम है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, वो अलग हो जाएगा। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, क्या सीक्वेंस बताया मैंने आपको, जिस मटेरियल का क्या देखना है, आइसोटोप्स। आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको हीट करेंगे, और कब तक हीट करते रहेंगे, जब तक वो सॉलिड लिक्विड ना बन जाए, लिक्विड से गैस ना बन जाए, गैस से एटॉमिक स्टेट में ना पहुंच जाए, और एटॉमिक स्टेट पहुंचने के बाद भी हीट करेंगे ताकि वो आयनाइज हो जाए। तो एक न्यूट्रल गैस एटम जब आयोनाइज होता है तो क्या अलग होता है, इलेक्ट्रॉन अलग, और बचा हुआ एटम पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। गैसियस स्टेट में अगर आप किसी सब्सटेंस को आयनाइज करो तो दो पार्ट कैसा बनता है, एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन। व्हाट इज नेगेटिव आयन, इट इज एन इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज पॉजिटिव आयन, इट इज द एंटायर एटम, पूरा का पूरा रिमेनिंग एटम है वो। अब मुझे आपसे ये जानना है, हमारा आइसोटोप का इंफॉर्मेशन किसके पास है, वो जो अलग हुआ इलेक्ट्रॉन के पास, या जो पॉजिटिव आयन बच गया उसके पास? पॉजिटिव आयन के पास। राइट राइट राइट, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उस सारे पॉजिटिव आयन्स को हमने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है इस चेंबर के अंदर। उसके पहले की एक्टिविटी मैंने ड्रॉ नहीं की, जरूरी नहीं है आपके लिए। वो जो प्रोसेस है आयनाइजेशन का प्रोसेस है, हीट करो और उसको आयनाइज करो, फिर नेगेटिव अलग करो, पॉजिटिव अलग करो, बट एक चेंबर में हमने सारे पॉजिटिव आयन्स इकट्ठा करके रखे हैं। हो सकता है पूरे 9 आइसोटोप्स एल्यूमिनियम के इसके अंदर भरे हुए हैं। अब ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और एक छोटे से स्लिट से अगर मैं इनको बाहर आने दूं तो ये बहुत हाई स्पीड से बाहर आएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। लेकिन ये बीम कैसा बीम रहेगा, वेरियस वेलोसिटी पॉजिटिव आयन बीम, कोई कंट्रोल थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे, वेरियस वेलोसिटी पॉजिटिव आयन बीम यहां से निकलेंगे। लेकिन निकल के जैसे ही ये सिलेक्टर से पास होगा तो आपको पता है कि सिलेक्टर क्या करने वाला है। ये सिलेक्टर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये पॉजिटिव आयन है इसलिए करंट का डायरेक्शन नीचे, थंब का डायरेक्शन राइटवर्ड, मतलब क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आयन इस तरफ चले जाएंगे। जो कौन से पॉजिटिव आयन, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, इज दैट ओके। कुछ पॉजिटिव आयन इधर मुड़ जाएंगे, व्हाई, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन कुछ आयन जिनकी वेलोसिटी वी है वो सीधे बाहर निकलेगी, और बाहर निकल के इस सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, मतलब S3 वाले स्टेट से बाहर निकल जाएगा। तो जो इस सिस्टम से बाहर निकल रहा है ये वाला बीम, ये क्या हो गया, ये हो गया मोनो वेलोसिटी पॉजिटिव आयन बीम। समझ में आया?
इस सोर्स से निकलने वाला जो आयन बीम था, पॉजिटिव आयन बीम, वो कैसा था? वेरियस वेलोसिटी, कोई कंट्रोल ही नहीं था, जो वेलोसिटी कम भी ज्यादा भी सब निकल रहे थे। लेकिन जब इस सिस्टम को क्रॉस किया वेलोसिटी सिलेक्टर, उसमें से एक ही वेलोसिटी वाला बीम बाहर निकला, वी इज इक्वल टू ई बाय वी। इसको हमने क्या कहा? मोनो वेलोसिटी आयन बीम। अब ध्यान से सुनो, यहां पे जो बीम ऑफ आयन आपके पास पहुंचा है, उन सारे आयन्स का वेलोसिटी सेम है। अग्रीड? यस सर। सारे आयन्स यहां तक, यहां सारे आयन्स की वेलोसिटी सेम है, चार्ज भी सेम है, बिकॉज आपने ही तो उसको आयनाइज किया ना, तो चार्ज भी उसका सेम है। चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, वेलोसिटी सेम है, बच क्या गया? चार्ज सेम, वेलोसिटी सेम, तो क्या बच गया? सिर्फ उसका मास बच गया। अब ये बीम में अलग अलग मास, वेरियस मासेस, मतलब भले उनकी वेलोसिटी सेम है, भले उसका चार्ज सेम है, लेकिन उनके मासेस अलग अलग है। नाउ कम्स योर हॉलो मेटालिक डी, जिसको हमने कौन सा सिलेक्टर कहा है? मोमेंटम सिलेक्टर। ये वेलोसिटी सिलेक्टर, ये मोमेंटम सिलेक्टर, ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम सिलेक्टर। मोमेंटम सिलेक्टर कैसा है? मोमेंटम सिलेक्टर, मोमेंटम सिलेक्टर ऐसा है, बताइए ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव आयंस। नो 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 नो, ये रिप्रेजेंट करता है मोनो एटॉमिक पॉजिटिव। ओहो नो नो नो, ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉट, याद है? ये क्रॉस मतलब ये जो बी यहां पे लगाया वो कैसा था, आउटवर्ड या इनवर्ड? यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया ये इनवर्ड, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो कैसा है? इट इज आउटवर्ड। ठीक है, अब मुझे बताइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि अगर पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब मिडिल फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है मतलब फोर फिंगर बाहर की तरफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? थंब किस तरफ जा रहा है? थंब राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है? लेफ्ट साइड। देखो चार्ज नीचे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट, ये नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, लेफ्ट साइड, तो आपको एक लेफ्टवर्ड मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। अब ध्यान से देखो इस लेफ्टवर्ड मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या हुआ? अरे ये जो सिंगल बीम था यहां स्प्लिट हो गया, ये जो सिंगल बीम था यहां पे स्प्लिट हो गया, और ये पाथ कैसा पाथ बना? दिस पाथ इज सर्कुलर पाथ। ये पाथ कैसा पाथ बना? सर्कुलर पाथ बना। और ध्यान रखना M1 मास वाला और M2 मास वाला और M3 मास वाला अलग अलग सर्कुलर पाथ में बेंड हुआ। M1 मास, M2 मास, M3 मास अलग अलग सर्कुलर पाथ में बेंड हुआ, जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस कम, जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस कम, मतलब सबसे हेवी वाला पार्टिकल का स्मॉलर रेडियस हुआ। नहीं, गलत बोल रहा हूं, R is equals to mb by q। हाँ, जिनका जिनका मास ज्यादा है उसका रेडियस भी ज्यादा होगा m1, मतलब सबसे हेवी मास है m3, उससे कम मास है m2, सबसे कम मास है m1। तो जैसे मोमेंटम सिलेक्टर में घुसा, यहां तो सब तक सब साथ साथ तक चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मोमेंटम सिलेक्टर ने उसको क्या किया? अलग अलग मोमेंटम, जिसका ज्यादा मोमेंटम ज्यादा मास, वेलोसिटी तो सबका सेम है, सभी की वेलोसिटी सेम है, मोर मास मोर रेडियस, लेस मास लेस रेडियस, और छोटा मास और रेडियस, मतलब यहाँ पे आपको तीन लाइंस मिल गई, L1 मिल गया, L2 मिल गया, L3 मिल गया, ये मिल गए आपको अलग अलग आइसोटोप्स। अगर सही में आपके पास नौ आइसोटोप्स हैं तो यहाँ पे आपको तीन के बजाय कितनी लाइंस मिलेंगी? नाइन लाइंस मिलेंगी। और खास बात, जो लाइन इस पॉइंट से जितना क्लोज होगा उसका आइसोटोप का मास उतना कम होगा, जितना दूर होगा उसका आइसोटोप का मास उतना ज्यादा होगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ Bainbridge mass spectrograph. Any question? Take a screenshot. Any question? Sir,
सर अभी जो आपने लास्ट में एक्सप्लेन किया वो एक और बार कीजिए प्लीज। आप पहले मुझे पहले वाला बताइए, व्हाट इज दिस पॉजिटिव आयन सोल्ट? इससे क्या निकल रहा है? वेरियस वेलोसिटी पॉजिटिव आयन बीम, मतलब पॉजिटिव आयन बीम निकल रहा है और इन पॉजिटिव आयन बीम का चार्ज एक जैसा है, क्यू इज द चार्ज, सभी का चार्ज है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, वी प्लस माइनस डेल्टा। समझ में आया? पॉजिटिव आयन सोर्स से जो चार्ज बाहर निकल रहे हैं सभी का चार्ज सेम है क्योंकि सभी सिंगलली आयनाइज्ड है, आपने इलेक्ट्रॉन को अलग किया या डबलली आयनाइज्ड होंगे। आपको याद है ना आपने हीट किया था तो क्या हुआ था? हीट किया था तो एल्यूमिनियम सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ और गैस होने के बाद आयनाइज हुआ, सब एक जैसे आयनाइज हुए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आयनाइज हो गया। तो सभी पॉजिटिव आयन के पास वन चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, लेट अस से दैट इज क्यू, सभी के पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, कुछ वी प्लस डेल वी कुछ वी माइनस डेल वी। फिर वो कौन से सिस्टम के अंदर आया? वेलोसिटी सिलेक्टर। उसमें क्या किया वेलोसिटी सिलेक्टर ने? क्या किया? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट किया। कौन सा पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट किया? जो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? v इज इक्वल्स टू e बाय b। अब इसके अंदर जो स्लिट नंबर 3 से जा रहे हैं उसमें क्या क्या सेम है? चार्ज तो पहले ही सेम था, वेलोसिटी भी सेम हो गया, अब बचा क्या? सभी का क्या अलग अलग है? सभी का क्या अलग अलग है? मास। चार्ज यहां पे सेम कर दिया था, वेलोसिटी यहां पे सेम कर दिया, अब जो बीम अंदर आ रही है उस पे वेलोसिटी और चार्ज सब सेम हो गया, सिर्फ मास अलग अलग है। उसके बाद मैंने क्या कहा? अब आपका ये जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है वो कैसे बिहेव करेगा? एज इफ इट इज अ मोमेंटम सिलेक्टर। जिस आयन का मोमेंटम ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, जिसका मोमेंटम कम होगा उसका रेडियस भी कम होगा। एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सभी का वेलोसिटी वी है लेकिन मासेस अलग अलग है, m1 m2 m3। तो जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा मोमेंटम उसका ज्यादा रेडियस, जिसका कम मास उसका कम मोमेंटम उसका कम रेडियस। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ में घूमेंगे और घूम के फोटोग्राफिक फिल्म जो लगी है वहां पे इंप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, और ऐसे करके पता चलेगा आपके पास कितने आइसोटोप्स हैं। अंडरस्टूड? यस सर। अब एक काम करते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो डायग्राम को यहीं पे रहने देते हैं और उसके बाद ये वाला पार्ट को मिला मिटा देते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन छोटा मोटा, यहां पे हमने क्या लिखा था? मोनोवेलोसिटी पॉजिटिव आयन बीम है ना। आप देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, क्या एक्सप्रेशन है किसी को याद है? 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था R is equals to mv by qb, याद आया? Yes, sir. Okay. जिनको याद नहीं आया उनके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन, हम कहते हैं सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा फोर्स देता है? मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv square by r और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है EVB, आपका एक भी यहां से कैंसिल हुआ है ना, और R का एक्सप्रेशन क्या आ गया? MV by EV। समझ में आया? ये Q की जगह यहां पे E डाल दो, याद आ गया 12th का डेरिवेशन कि किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब आपका चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सर्कल का जो रेडियस है उसको ऐसे निकालते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, आ गया आपका रेडियस इज इक्वल टू MV by EV। ये 12th वाला पार्ट याद आ गया? Yes, sir. What is MV? MV is P. And what is P? It is momentum. तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया P upon EB. देखो B यूनिफॉर्म है, ये देखा लिखा है मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म है, चार्ज सभी का सेम है, इससे क्या पता चलता है कि रेडियस कौन डिसाइड करेगा? मोमेंटम। इसीलिए मैंने कहा जिसका ज्यादा मोमेंटम उसका बड़ा रेडियस, जिसका कम मोमेंटम उसका छोटा रेडियस। आपको प्रिंसिपल समझ में आया? यस सर।
तो आयन सोर्स से वेरियस वेलोसिटी वाला आयन निकलेगा, वेलोसिटी सिलेक्टर उसको मोनो वेलोसिटी में कन्वर्ट करेगा, वेलोसिटी सेम, चार्ज सेम, मासेस अलग अलग, मोमेंटम सिलेक्टर से जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो फिर जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, इसलिए वो अलग अलग पाथ में ट्रेवल करते हुए फोटोग्राफिक फिल्म को सेमी सर्कल ट्रेवल करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म में जाके इंसिडेंट होगा और फोटोग्राफिक फिल्म में आपको ऐसे लाइंस दिखाई देंगे और वो लाइंस आपको बताएगा कितने सारे आइसोटोप्स हैं। क्लियर? यस सर। यस। आप अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है ना, ये जो स्मॉल वी है इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल वी इट इज E by V. हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है, देखो यहाँ पे जितना यहाँ पे उतना, कभी अलग भी हो सकता है तो फॉर्मूले में अलग हो जाएगा, ये B1 है ये B2 है तो फिर आपके इस फॉर्मूले यहाँ B1 आ जाएगा यहाँ B2, अगर मैंने सेम यूज किया तो इट इज सेम। तो वेलोसिटी E by V, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड, हाँ डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे क्रॉस है यहाँ पे डॉट। Is that okay? Yes, sir. Now tell me, एक काम यहां पे ये भी कर सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन भी लेना पड़ा तो भी ले सकते हैं, यहां पे भी अपन डॉट 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 यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? देखो तो डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी क्या होगा, तो सेम हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे भी डॉट है यहां पे भी डॉट, फर्क सिर्फ ये रहेगा अब जो ये डिफ्लेक्शन रहेगा, इधर क्या दोगे आप, इधर आप दोगे प्लस वी और इधर क्या दोगे आप, ये ग्राउंड टर्मिनल, इसको क्या कर दोगे ग्राउंड टर्मिनल, ये आपका कहलाएगा वेलोसिटी सिलेक्टर। फर्क ये हुआ इस तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, और उस तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा जिसपे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है मैग्नेटिक फोर्स से। इससे एडवांटेज क्या हुआ, ये डॉट और ये डॉट एक तरीके का हो गया, सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह इस्तेमाल हो गया। रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई ई बी मैं सब्सटीट्यूट कर दू तो इट इज एम कैपिटल ई अपॉन ई बी स्क्वायर, ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया। आप समझ लो मैंने क्या किया, रेडियस के फॉर्मूले में जो वेलोसिटी था उसमें ई बाई बी सब्सटीट्यूट कर दिया, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसको अपन और आगे भी कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू बी बाई डी, अगर दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी है ना, तो E इज इक्वल्स टू बी बाई डी, दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन ई बी वी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेरिवेशन कि रेडियस का फॉर्मूला ये है। हो गया? Yes. Any doubt in the derivation? अब देखो मेन वेन ब्रिज वाला डेरिवेशन जो है वो आ जाएगा, हम सिर्फ यहां पे मोमेंटम सिलेक्टर ड्रॉ करते हैं, ओनली मोमेंटम सिलेक्टर। देखो ये स्लिट है आपका, यहां से जो बीम आ रहा है उसका चार्ज क्यू है, उसका वेलोसिटी वी है, और उसके बाद वो स्प्लिट हो रहा है, अंदर आने के बाद वो स्प्लिट हो रहा है, ऐसा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ये 2R1 है डायमीटर होने के कारण, और ये 2R2 है, ये मास M1 ये मास M2, और हमको पता है कि M2 इज ग्रेटर देन M1 क्योंकि हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। मैंने कौन सा सिलेक्टर ड्रॉ किया, सिर्फ मैंने ड्रॉ किया मोमेंटम सिलेक्टर। Have you understood this momentum selector? First of all, उसके पहले तो velocity selector है बस। ठीक, अब देखें। इस 2R1 को अगर मैंने X1 ले लिया, यही 2R1, इसको X1 ले लिया, और ये जो 2R2 है, इसको X2 ले लिया। 2R1
इज एक्स वन, टू आर टू इज एक्स टू. मतलब क्यों किया ऐसा? भाई डायग्राम में तो मुझे दिख रहा है वो सर्कल है, इसलिए मैंने इसको सोच लिया डायमीटर. बट जब मैं रीडिंग लूंगा, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट हमने यहाँ लगा रखा है, जब मैं ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर का रीडिंग लूंगा, तब थोड़ी ना मुझे समझ में आएगा वो डायमीटर. मुझे तब दिखेगा कि स्लिट से इंप्रेशन पर का डिस्टेंस, जिसको मैंने एक्स वन लिखा है. बट बात दोनों की एक ही है, डायमीटर ऑफ द सर्कल और स्लिट से लेके उस लाइन का जो डिस्टेंस है फोटोग्राफिक फिल्म में. ये जो है दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट. पी प्लेट का मतलब क्या हुआ? फोटोग्राफिक प्लेट. ये फोटोग्राफिक प्लेट में यहाँ लाइन वन दिख रहा है, यहाँ लाइन टू दिख रहा है. तो लाइन वन का स्लिट से डिस्टेंस इसको एक्स एक्स वन लिखा, लाइन वन का स्लिट लाइन टू का स्लिट से डिस्टेंस उसको एक्स टू लिखा. ठीक है, अब मुझे बताइए एक्स वन का क्या फॉर्मूला है? टू टाइम्स आर वन की जगह पर क्या डाल सकते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आर वन का फॉर्मूला लिखा था. आर वन की जगह डाला जा सकता है एम वन वी बाय ई के जगह मैं इसको क्यू कर रहा हूं, चलेगा? रीजन एज रेडियस इज गिवन बाय एम वी बाय क्यू वी. तो एम की जगह एम वन, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट मास से प्रोड्यूस किया हुआ. वी तो सभी का सेम है, क्यू तो चार्ज है, अगर सिंगलली चार्ज हुआ तो ई, अगर डबलली चार्ज हुआ तो ट्वाइस ई, डिपेंड करेगा कितना चार्ज है. और बी तो मैग्नेटिक फील्ड है. और सिमिलरली बताइए एक्स टू में कैसे लिखूंगा? टू इन टू क्या क्या चेंज होगा? एम टू वी बाय क्यू वी. तो वॉट इज डेल्टा एक्स? इट इज द लीनियर सेपरेशन बिटवीन टू लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय आइसोटोप्स. एम आई राइट? यहां पे आइसोटोप नंबर वन, यहां पे आइसोटोप नंबर टू. तो ये जो दो लाइन्स है इनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है, उस लीनियर डिस्टेंस को अपन कितना लिख रहे हैं? डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स फोटोग्राफिक फिल्म में दो लाइन के बीच का डिफरेंस है. तो चलिए डेल्टा एक्स कैलकुलेट करें. व्हाट इज डेल्टा एक्स? एक्स टू माइनस एक्स वन. सो व्हाट इज डेल्टा एक्स? एक्स टू माइनस एक्स वन करूंगा तो देखो ये आ जाएगा टू एम टू वी बाय क्यू बी माइनस टू एम वन वी बाय क्यू बी. मतलब डेल्टा एक्स कितना आ गया? टू वी बाय क्यू बी. और यहां पर आ गया एम टू माइनस एम वन. मतलब आपका डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? टू वी बाई क्यू बी इन टू डेल्टा एम. वॉट इज डेल्टा एम? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द आइसोटोप. एम टू माइनस एम वन, दो जो आइसोटोप के मासेस हैं, वो आइसोटोप के मास का डिफरेंस डेल्टा एम है और यहां पे डेल्टा एक्स. तो हमने क्या किया? आइसोटोप का जो मास है उसको डिस्टेंस से कोरिलेट कर लिया, फोटोग्राफिक फिल्म के डिस्टेंस से कोरिलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन. टेक अ स्क्रीनशॉट. और ये दोनों डिस्टेंसेस जब लिखा x1 और x2, मैंने रेडियस का फॉर्मूला यूज किया. रेडियस का कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला. यहां पे अलग से लिख देता हूं, एज रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एम वी बाई क्यू बी. तो यहां पे ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला. अंडरस्टूड? बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ. Yes, sir. तो अगर आपके एल्यूमिनियम फॉइल में तीन आइसोटोप्स है तो आपको फोटोग्राफिक फिल्म में कितने लाइंस मिलेंगे? थ्री सर. थ्री. दो है तो आपको कितने मिलेंगे? दो. चलिए एग्जांपल नंबर वन प्लीज रीड. यस, आइसोटोप्स भी किसी किसी का सेम हो सकता है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? मास सेम हो सकता है ना, तो वो आइसोटोप कैसे कहलाएगा अगर मास सेम हुआ तो? यस सर. है ना, तो आइसोटोप बोल रहे हैं तो मास तो अलग होना ही. ओके, आपने ले लिया है सारा फोटो वोटो. अब अपन ये पोर्शन मिटा रहे हैं क्योंकि ये पोर्शन मेरे को जरूरत है एग्जांपल नंबर वन सॉल्व करने के लिए. प्लीज रीड एग्जांपल नंबर वन. एनीवन स्टार्ट. The electric field between the plates of a velocity selector is 150 volt per centimeter. Okay, volt per. आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, volt per meter नहीं है, यहाँ पे आ गया centimeter. आगे.
एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला. ओके 0.5 टेस्ला, वेरी गुड. और इफ द सोर्स कंटेन्स द आइसोटोप्स ऑफ मैग्नीशियम Mg24, Mg25 एंड द आयंस. एक मिनट, Mg24, Mg25 मतलब आइसोटोप M124, उनका मास नंबर है ना. Yes, Mg24 yes, मतलब क्या, वो जो मैग्नीशियम है उसका मास नंबर 24 है और दूसरे का मास नंबर 25 है तो दोनों मैग्नीशियम. ठीक है, आगे. एंड द आयंस आर सिंगली चार्ज्ड, मतलब बेटा एक मिनट, सिंगली चार्ज मतलब कितना चार्ज है उसके पास, एक ही चार्ज है, दैट इज ही. डबलली चार्ज होता तो 2 ही होता, समझा. सिंगली चार्ज, सिंगली चार्ज, समझा. सिंगली चार्ज, अगर डबलली चार्ज बोलेगा तो 2 ही, ट्रिपलली चार्ज बोलेगा तो 3. नेक्स्ट, determine the linear separation between the line formed by these isotopes on the photographic plates. What do you mean by linear separation? Delta x, ye pehle line aur ye dusre line ka beech ka distance, that is delta x. Understood? Delta x, what is delta x? Isko hum kehte hain linear separation. Delta x, ye dekho maine likha bhi hai yahan pe, linear separation. अब सिर्फ एक चीज है, आपको ये कन्वर्ट करना है 150 वोल्ट पर सेंटीमीटर को 150 वोल्ट पर मीटर. तो बताइए कैसे कन्वर्ट करें, 150 वोल्ट पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा. 1 सेंटीमीटर इज 10^-2 मीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा 15000 वोल्ट पर मीटर. समझा कन्वर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का. ओके अब आप यूज करिए ये फॉर्मूला एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. कुछ एक मिसिंग है, एक बार पढ़ो तो फिर से क्वेश्चन को. यस सर. नो नो नो, नथिंग इज मिसिंग, सॉरी सॉरी सॉरी. नो नो बेटा, नथिंग इज मिसिंग, नथिंग इज मिसिंग, एवरीथिंग इज देयर. आपको क्वेश्चन समझ में आया, हमने कुछ तो भी एक मटेरियल डाल दिया, वो मटेरियल सिंगलली चार्ज है और उसमें 2 आइसोटोप्स है, यहां से निकला, वेलोसिटी कॉमन हो गया, सेम वेलोसिटी, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, मुझे 2 लाइंस मिली. अब ये 2 लाइन के बीच का लीनियर सेपरेशन निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है लीनियर सेपरेशन. बेटा दो अभी, चलिए सॉल्व करिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फर्स्ट यू टेल मी. ये तो डेटा हो गया आपका गिवन, फॉर्मूला क्या है इसका यूज करने का. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लो ना वहां कितना है, 2V/Q × Δm. ओके अब प्रॉब्लम आएगा v के लिए, v कैसे निकाले. वेलोसिटी सिलेक्टर है ना, तो E/V से v निकल जाएगा. यस सर. अब आएगा हर्डल डेल्टा m, बताइए डेल्टा m कितना है. डेल्टा एम कितना है, 25 - 24 तो है, लेकिन इनटू 1.67 × 10^-27. इसका यूनिट AMU होता है, आपको याद होगा AMU, व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. तो याद रखना जब होल नंबर में दिया हो किसी एटम का मास, वो AMU में है, उस AMU को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बोलो समझा सबको ये स्टार वाला स्टेप. यहां जैसे ही 1 डाल दिया आपका आंसर गलत हो गया. 1 मतलब 1 तो ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ आइसोटोप, बट वो तो AMU में है. अब जब इससे कन्वर्ट मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, kg में. AMU मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू kg. समझ में आया. यस सर. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. तो डेल्टा एक्स निकलेगा 2 × वेलोसिटी E/B. तो एक फॉर्मूला ही बना लेना, डेल्टा एक्स क्या फॉर्मूला हुआ, 2 वेलोसिटी की जगह E/B, नीचे Q/B और यहां पे आया डेल्टा एम. तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, अच्छा क्यू की जगह E डाल सकते हैं अपन, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू E. तो यह आ गया 2E/Δm/Eb2. बोलो समझा, 2
ये e ऊपर रह गया, b नीचे आके b स्क्वायर बना दिया और डेल्टा n. ये डेरिवेट, ये पार्ट समझा, डेल्टा x 2 v q by b, तो v के जगह e by b बाहर. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 e के जगह कितना है 15000, डेल्टा m की जगह कितना है 1.67 × 10⁻²⁷, है ना, ये तो 1 हो जाएगा. e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹. मैग्नेटिक इंडक्शन b का वैल्यू दिया है 0.5 V² अब आपका कैलकुलेटर का काम, आंसर बता दीजिए. सब SI में है इसलिए आपका आंसर भी मीटर में आएगा, बिकॉज ये लीनियर सेपरेशन. गिव मी द आंसर. सर 1.2 × 10⁻⁴. What is the answer? 1.24 × 10⁻⁵ meters. Very good. 1.24 × 10⁻⁵ meter is your answer. Okay. Now, today we have solved 4 questions out of 11 or 12 questions which I have given you. Remaining all the questions, ये सब आपका homework है. All questions are your homework. जितने भी examples मैंने दिए हैं आपको, आपको one by one इनको solve करना है. Solve करके अपने साथ रखना है. कहीं upload फिलहाल नहीं करना है. But as an assignment, इसको कभी ना कभी अपन आपसे पूछेंगे upload करने के लिए. तो एक assignment type बना लीजिए जिसपे सारे examples, उसपे कौन कौन से ईयर में आए वो क्वेश्चंस, वो भी लिख के आप एक प्रॉपर असाइनमेंट बना के रखिए इन रूल शीट, ताकि उसका फोटोग्राफ हम आपको अपलोड करने के लिए, शायद क्लासरूम में हम आपको अपलोड करने के लिए कहेंगे. ओके, नाउ विद दिस वी कंप्लीट दिस यूनिट. ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास रहेगा, उसमें मैं आपसे सारी डिफिकल्टीज पूछ लूंगा. मे बी टूडे आई विल बी ड्रॉपिंग द क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल 6 क्वेश्चंस. मेरी तरफ से जब भी मेरी अगली क्लास होगी, तो मैं ये जो 2 यूनिट आपको पढ़ाया है मैंने, पहला यूनिट वो इंटरफेरेंस वाला, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, और दूसरा यूनिट ये वाला जो पार्ट मैंने पढ़ाया अभी आपको, तो ये जो 2 यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाए, ये 2 यूनिट्स के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, 1 by 1 आई विल डिस्कस ऑल दीज एमसीक्यू क्वेश्चंस विद यू. सेम इज विद प्रचिति मैडम, उन्होंने जो 4 यूनिट्स आपको पढ़ाए हैं उसके एक एक करके रिविजन भी होता जाएगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे. प्लीज जो क्वेश्चन बैंक मिल रहा है उनको सीरियसली पढ़िए, बिकॉज ये पहली बारी है कि एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी में हो रहा है, सो वी डोंट थिंक हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाया उससे बाहर कुछ भी पूछा जाएगा. 300-300 क्वेश्चंस, जैसे मेरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में यू हैव टू लर्न 300 क्वेश्चंस एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज एन एमसीक्यू, एक बार समझ में आ गया तो आपसे इजिली बन जाएगा. बट डोंट मेमोराइज द आंसर कि भाई इस क्वेश्चन का बी है, इस क्वेश्चन का डी है, वहां पे अगर थोड़ा रैंडम हो गया तो फिर आप तकलीफ में पड़ जाओगे. एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क? हाँ, जो मेरे तरफ से अपील हमेशा रहता है, आपका शायद हॉल टिकट मंडे को आ जाएगा, प्लीज ध्यान दो,
आपका एग्जामिनेशन हॉल टिकट मंडे को आ जाएगा, जिसपे आपका आईडी और पासवर्ड रहेगा एग्जामिनेशन अपियर करने का, और ये आप हॉल टिकट कॉलेज से आपको तभी मिलेगा जब आपका फीस कंप्लीट हो। और एक रिक्वेस्ट, यू नो योर फीस, प्लीज डोंट कॉल योर टीचर, क्लास टीचर और योर मेंटर कि सर मेरी फीस कितनी बची है, मैडम मेरा फीस कितना बचा है। ये उनका काम नहीं है आपका फीस कितना बचा है, ये आपका और कॉलेज में जो ऑफिस काउंटर है उनके बीच की बात है। तो आप उनसे बिल्कुल मत पूछिएगा कि कितना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फीस आपने कितनी दी है। कितनी मेरे को कितने क्वेरीज आते हैं टीचर्स की, सर आप इनको समझाइए। ये उठे सुठे कभी भी हमसे, जब भी हम बोलते फीस पे करो, पूछते फीस कितनी बैलेंस है, तो ये टीचर की जवाबदारी नहीं है आपको फीस कितनी बैलेंस है। वैसे होना ये चाहिए कि आपको अकाउंट सेक्शन में जाके आपकी फीस का पता करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। इट्स अ प्रोफेशनल कॉलेज, यू आर सपोज टू बी एन इंजीनियर आफ्टर फोर इयर्स। तो इतना मेमोरी आप में होनी चाहिए कि भाई मेरा फीस इतना, मैंने इतना फीस दिया है और इतना फीस हमारा बैलेंस है। तो जिसका फीस क्लियर होगा, जिसका अकाउंट सेक्शन का क्लियरेंस आएगा, बाकी क्लियरेंस तो हमारे ऊपर है। आपने आपके असाइनमेंट्स पूरे सबमिट होने चाहिए, आपके जर्नल्स पूरे सबमिट होने चाहिए। तो असाइनमेंट्स कितने हैं, जर्नल्स कितने हैं, ये सब दूसरे टीचर्स बताते रहेंगे आपको। मैं पल्लवी मैडम से बोल दूंगा आपको एग्जैक्टली बता दें कि किस सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स होने चाहिए, किस सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। ये सब सबमिशन जब कंप्लीट होगा, देन वी विल स्टार्ट इशूइंग योर हॉल टिकट्स। क्लियर? यस सर। यस क्वेश्चन? यस। हॉल टिकट लेने कॉलेज आना है? नहीं, हॉल टिकट लेने आपको कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, वो हम आपके लिए आसान कर देंगे। लेकिन आपका फीस बैलेंस है तो कॉलेज आके पे करना पड़ेगा ना। कॉलेज में 10 से 3 तक आपका काउंटर खुला है, मंडे को तो मैं भी रहूंगा कॉलेज में। अगर आपको आना है, थोड़ा डिफिकल्ट है बाहर लॉकडाउन के कारण, बट इफ यू कैन कम यू कैन कम, यू कैन मीट मी एंड डिस्कस योर डिफिकल्टी, बट कम इन द अर्ली टाइम, इज इन द मॉर्निंग टाइम बिटवीन 11 एंड 12। ओके सर, एनीथिंग एल्स? सर आपने स्टार्टिंग में असाइनमेंट क्या बताया था आज का? नहीं असाइनमेंट नहीं, मैंने यही कहा कि जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो सब आप सॉल्व करके रखिए, वो आपका एक असाइनमेंट रहेगा इस यूनिट का। ओके सर, चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।